नमस्कार, मेरा नाम है निधि मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिटी पोज की पेशकश समाचार भाग एक समाचार। आपने कभी ना कभी सुना या देखा तो ज़रूर होगा कि एक छोटे से बच्चे को अगर आप बुद्धू या पागल बोलते रहते हैं तो वो बच्चा भी कुछ दिन बाद खुद को पागल समझना शुरू कर देता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये है मनोवैज्ञानिक नीति यानी माइंड साइकोलॉजी। चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार सुन ज़ू ने 6वीं शताब्दी में अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वह होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। बात तो अच्छी कही है पर चीन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर चीन अपनी इस हज़ारों साल पुरानी रणनीति पर लौट आया है। इससे पहले 1962 के युद्ध में चीन ने इस तरह के पैतरे अपनाए थे। चीन को इस बार भी उम्मीद थी कि भारत लद्दाख में डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस चाल के नाकाम होने के बाद चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर फोर पर पंजाबी गाने बजाना शुरू कर दिया। वहीं एक चूसूल में चीनी सेना के मोल्डो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख ना बने, पर इस बार चीन शायद ये भूल रहा है कि भारत अब बच्चा नहीं रहा जो बातों से डर जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2020 की शुरुआत से ही हम बहुत सारी नकारात्मक बातों को सुनते आ रहे हैं, जैसे कोरोना, रंगभेद और काफ़ी सारी ग्लोबल आपदाएं। पर साथ ही एक सकारात्मक खबर भी आई है जिसको आप सभी को ज़रूर सुनना चाहिए। अमेरिका के लुइसविले शहर में ब्रायो ट्रेलर के परिवार पर मुकदमा निपटारे के लिए लगभग 88 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। 13 मार्च को उसके घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शहर में काफ़ी दंगे शुरू हो गए थे। टेलर की मौत ने शहर में कई महीनों के नस्लवाद विरोधी प्रदर्शन को जन्म दिया था। इसके बाद अब रंग भेद या नस्ल भेद लोगों के दिल से और दिमाग से दोनों से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रंग या नस्ल मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ इंसान की जान। हमारी अगली खबर है किसान की आवाज़। बुधवार के संसद सत्र के बाद लगभग 6 राज्यों के किसान सरकार के विरोध में सामने आए हैं और विपक्षी दल किसानों के समर्थन में सरकार का विरोध संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के समर्थक दल भी इन तीनों विधेयक के बारे में बोल रहे हैं। चलिए एक नज़र देखते हैं ये तीन विधेयक क्या हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को 3 विधेयक सदन में पेश किए, जिसमें पहला किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, दूसरा आवश्यक वस्तु अध्यादेश मूल्य आश्वासन, तीसरा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश 2020 पास किए गए हैं। अब इन्हें बिल के रूप में पेश किया गया है। सरकार जल्द ही इन बिलों को पास कराने की तैयारी में है, लेकिन इस बिल को लेकर सरकार के अपने खुद के सहयोगी विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मारिजुआना की, जिनकी कीमत करोड़ों में है। अच्छा चलिए, अगर आप मारिजुआना को नहीं पहचानते तो हम आपको इनके घर का नाम बताते हैं। इनको बड़े ही प्यार से गांजा बोला जाता है और आजकल तो गांजा ड्रग के रूप में युवाओं की जान बन चुका है। अच्छा ज़रा सोचिए, अगर गांजा उगाना और इसका सेवन करना दोनों ही हानिकारक और अवैध है तो किसान इसे उगाते क्यों हैं? क्योंकि किसानों को पारंपरिक फसल से नुकसान होता है, इसीलिए वे जोखिम उठाकर फसल के बीच में भी गांजा उगा लेते हैं। केरल के ड्रग माफिया कोडागु और चिकमंगलुरु में सरकारी या वन भूमि पर भांग की खेती करने के लिए स्थानीय किसानों और मजदूरों को उपयोग में लाया जाता है। अक्सर किसानों को पता ही नहीं होता है कि वे कुछ अवैध काम कर रहे हैं। ड्रग माफिया ऐसे स्थानीय लोगों को भांग उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसके पास खुद की ज़मीन होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। कंगना रनौत जो सबसे पंगा लेने के लिए जानी जाती हैं, उन्हें बॉलीवुड ने लगभग अलग पाले में डाल दिया है। जया बच्चन की ओर से संसद में दिया गया बयान अब जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को राज्यसभा में जया बच्चन ने बयान दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसको लेकर एक बार फिर से कंगना रनौत ने सीधा हमला बोला है। कंगना ने जया बच्चन को एक ट्वीट के जरिए बोला और पूछा कि जया बच्चन और उनकी इंडस्ट्री ने आखिर कौन सी थाली दी है। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल में आइटम नंबर्स और रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों
से थाली सजाई है, यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। हो सकता है ये बात आपको या सबको अच्छी ना लगे, पर कहीं हद तक ये सच है। भाग दो, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लैक एंड वाइट मोमेंट्स। जब जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 27 फरवरी 2002 को गुजरात में हुए हिंदू मुसलमान दंगों का पन्ना भी हमारे सामने आता रहेगा। 2002 गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसकी वजह से लगभग 1000 लोग मारे गए। 27 फरवरी को गोदरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने से 59 हिंदू तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर ने पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैला दी थी। ये आग तब लगी जब अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोदरा स्टेशन से गुजरने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या से लौट रहे थे। मुसलमानों के एक गुट ने ट्रेन में आग लगा दी। इस हादसे के बाद गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता से शांति की अपील की। गोदरा में सभी स्कूल दुकानें बंद करा दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को आदेश दे दिया गया था कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। विश्व हिंदू परिषद ने इस हमले का बदला लेने के लिए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। जनवरी 2005 में इस हादसे की जांच में सुप्रीम कोर्ट के जज उमेश चंद बनर्जी ने बताया कि ये दंगे असल में मुसलमानों ने नहीं किए बल्कि दुर्घटनावश हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक रूप से प्रभावित बताया। इसके बाद नानावती कमीशन को इस मामले में कानूनी कार्रवाई तय करने के लिए कहा गया और फिर कोर्ट का फैसला वही आया कि दंगों के पीछे मुसलमानों का हाथ था। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, बस कुछ लोगों की राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए हम आपस में क्यों लड़ते रहें। भाग तीन, चाणक्य नीति से कुछ महत्वपूर्ण बातें। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख भोगता है, अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेला ही नरक में जाता है। अतः रिश्ते नाते सब क्षणभंगुर हैं, हमें अकेले ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता रहता है, भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान सबसे महान कार्य है। अपमान, कर्ज का बोझ, दुष्टों की सेवा, अनुचारी, दरिद्रता, पत्नी की मृत्यु आदि बिना तप के ही शरीर को जला देते हैं। किसी से अपना काम निकलवाना हो तो मधुर वचन बोलें। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर स्वर में गीत गाता है। दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देखकर मार्ग बदल देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरों के और नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।